पहले आप एक कर्मचारी थे, अब उसी विभाग के अधिकारी बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? पापा क्या बने हैं? वीडियो बने हैं। शादी के बाद भी हम आगे की तैयारी करते रहते थे और अभी भी हम आगे तैयारी जारी रखते। नौकरी मिला था शादी होने के बाद, देखिए अब अधिकारी बन रहा है। हमको कुछ नहीं लगता है। अच्छा। हमारा वीडियो तगड़ा है, ये जहाँ वीडियो होंगे तहाँ वीडियो। कोरोना काल में बीपीएससी का जो है मेंस एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि इन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन तो बीपीएससी के एग्जाम में इन्होंने सफलता हासिल की और ये जो है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्रामीण विकास पदाधिकारी अब बन गए हैं। और 2014 में एक जॉब करते थे और जॉब के दौरान जो है लगातार जो है गूगल मीट से ये तैयारी करते थे और अब जाके ग्रामीण पदाधिकारी जो है ये बन गए। हमारे बीच दीपक कुमार हैं जो कि चिल्हाई पंचायत के, बेगूसराय के चिल्हाई पंचायत के रहने वाले हैं और अभी हम यहाँ पर आए हैं और देख सकते हैं माहौल की किस तरह से घर में खुशहाली है। लेकिन इनके दो दिन पहले जो है इनके घर के एक सदस्य जो है गुजर गए हैं, लेकिन हम इनकी सफलता पर आज जो इनकी कहानी दिखाने आए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है घर में रहते हुए गृहस्थी जीवन जीते हुए भी जो है आपने ग्रामीण विकास पदाधिकारी का जो है पद यहाँ पर हासिल किया है। सबसे पहले धन्यवाद आपको। हमने बचपन से ही हमारी शिक्षा जो है वो गांव के प्राइमरी स्कूल में हुआ, उसके बाद दसवीं की शिक्षा हमने उमर हाई स्कूल तेघरा से, इंटरमीडिएट की शिक्षा SSMCD कॉलेज दहिया रसलपुर से और GD कॉलेज से हमने स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। प्रिय ग्राहक, भाई भाई फैशन में शुरू हो गया है इस खास अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू कलेक्शन। जी हाँ, अब हो जाइए तैयार और आज ही खरीदिए हमारे विमेन सेक्शन से सलवार सूट, प्लाजो सूट, कुर्ती, साड़ी, जीन्स टॉप और किड सेक्शन से बाबा सूट, बॉय शर्ट, जीन्स की ह्यूज वैरायटी और मेंस वेयर सेक्शन से टॉप ब्रांड्स जैसे एलन सोली, वैन ह्यूजन, लुई फिलिप, रेमंड, किलर और लीवाइस, वो भी MRP से कम दाम में। तो आज ही आए और 2012 में हमारे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल हुई। 2014 में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संविदा आधारित लेखापाल के रूप में 2014 में प्रखंड कार्यालय बखरी में हमारा नियोजन हुआ। उसके बाद से मैंने विभाग द्वारा प्रदत्त कार्यों का ससमय निराकरण करते हुए गूगल मीट के माध्यम से बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी जो कि कंकड़बाग पटना में संचालित है उनके द्वारा गूगल मीट के माध्यम से रात में क्लास कराई जाती थी। उन्हीं क्लास के माध्यम से और अपना सेल्फ स्टडी से मैंने इस मुकाम को हासिल किया है और मेरे इस मुकाम के मुख्य प्रेरक जो हैं वो हमारे चाचा जो कि SSMCD कॉलेज दहिया रसलपुर के प्रधानाचार्य थे, रिटायर हो गए हैं, श्री परमानंद पाठक जी। हमारी सफलता का मूल श्रेय मैं उन्हें देता हूं और इस सफलता के लिए हमें पूरे परिवार और पूरे गांव का साथ मिला। हमारे मुख्य सफलता से हमारे गांववासी काफ़ी खुश हैं, हर्षित हैं और मैं आप तमाम मीडिया न्यूज चैनल और हम अपने समस्त शुभेच्छकों को धन्यवाद देता हूं। पहले आप एक कर्मचारी थे, अब उसी विभाग के अधिकारी बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये हमें आगे के कार्यों में सहूलियत प्रदान करेगा। ये हमारे पास जो ये 10 साल का बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर एज ए अकाउंटेंट, एज ए क्लर्क जो काम करने का एक्सपीरियंस है वो हमें आगे सहायता प्रदान करेगी। तो जैसे आप क्लर्क थे और आपकी शादी भी हो गई थी तो फिर क्या मतलब कैसे तैयारी किए? लगातार आप तैयारी करते गए, परिवार से सपोर्ट मिलते गए आपको? अभी भी मैं जिस प्रखंड कार्यालय में सबसे पहले बखरी में योगदान किया, उसके बाद स्थानांतरण के बाद तेघरा, फिर स्थानांतरण के बाद छौराही, जिस भी प्रखंड कार्यालय में गया हूँ
उस प्रखंड कार्यालय में जो हमें गोदरेज अलॉट कराया जाता था, आपको आशान्वित करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि अभी भी उसमें जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का बुक आपको मिल जाएगा। मतलब शादी के बाद भी लगातार जो है नौकरी मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे तो लगातार तैयारी करते रहते थे? जी, शादी के बाद भी हम आगे की तैयारी करते रहते थे और अभी भी हम आगे तैयारी जारी रखेंगे। इस तरह के छात्रों क्या सूचना? जैसे कि मान लीजिए, देखिए नौजवान सब खड़े हैं अभी, ये लोग देखिए अभी शादी तो इनकी नहीं हुई है, नौजवान है अभी, तो इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें? क्योंकि आपको देख रहे हैं लोग, हमारे चैनल के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि शादी होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आप एक जिस जो विभाग में आप क्लर्क थे, आज उस विभाग के जो है बड़े अधिकारी हो गए हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो सफलता को प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अचीव करने के लिए, पास करने के लिए पटना में ही चल रहे कोचिंग में जा कर के हम लोग पढ़ें। हम घर पर रह कर के भी उस कोचिंग संस्थान के माध्यम से जुड़ करके अपना सेल्फ स्टडी करके भी तैयारी, मुकम्मल तैयारी करते हुए इस अचीवमेंट को हम अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, हम सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी युवाओं को आशान्वित करते हैं कि आगे की शिक्षा में अगर आप लोगों को कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं जहां भी जिस जिला में रहूंगा आप लोग का भरपूर सहयोग करूंगा। तो यहीं तक लक्ष्य रुक जाएगा कि आगे भी कुछ सोचे हैं कि इनके बाद भी और आगे प्रस्टेप करेंगे? जी नहीं, तैयारी आगे की चलेगी, चलते रहेगी लगातार। ये अभी एक मुकाम बढ़ा है, दूसरा मुकाम बढ़ा, तीसरा, चौथा और अभी आगे है। जी जी, चलिए। तो यहाँ देख सकते हैं दीपक कुमार जी थे, इनके पिताजी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी कैसा लग रहा है कि आपका लड़का जो है पहले नौकरी मिला था, शादी होने के बाद भी देखिए अब अधिकारी बन रहा है? हमको कुछ नहीं लगता है। अच्छा। हमारा वीडियो तगड़ा है, ये जहाँ के वीडियो होंगे तहाँ के वीडियो। अच्छा। हाँ, हमको, हमारा बस यही गर्व नहीं, खुशी नहीं, खुशी लगता, गर्व खुशी सबसे घरे एक क्षण हम लोग जो खुशी होबे। अच्छा, तो देख सकते हैं कि गदगद है खुशी से, कुछ और लोग हैं उनके। बेगूसराय शहर में खुल गया है दूसरा मोंगनी शॉप, जहाँ मिले वेराइटीज ऑफ केक्स, कुकीज, चॉकलेट आइटम्स, गिफ्ट पैक, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। तो बर्थडे, एनिवर्सरी या हो कोई पार्टी, तो आज ही आए हमारे मोंगनी शॉप, हीरालाल चौक, मेन मार्केट, बेगूसराय। बहन, किस तरह से आपके भाई ने जो है सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश है, बहुत भैया इतना बड़ा अफसर बन गया, बहुत खुश है, बहुत। राखी में, राखी में अच्छा गिफ्ट मिलेगा जी। अबरी का वाला बंक लग रहा है भाई के जो है सफलता, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है जी। लगा था कि अफसर बनेगा? जी लगा था, लगा था, और आगे बनेगा, प्रयास जारी रखेगा और आगे अफसर बनेगा ना जी। तब राखी में फायदा होगा? हाँ, बहुत फायदा होगा। इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इनकी सफलता को लेकर। इनकी सफलता के मैं तो हमारे परिवार का तो पूरा पूरा सहयोग है, ऐसे ईश्वर की तरफ से तो एक ही भाई हैं, लेकिन सब मिला के 8 भाई हैं, उसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और मेरी माँ शिक्षिका थी, जिस स्कूल से ही पढ़ना शुरू किया था उसी स्कूल में मेरी माँ शिक्षिका थी, और मेरी शिक्षिका, मेरी माँ ही इनको सही रास्ता, जो स्तंभ खड़ा की वही खड़ा की, और वही परिवार का, पूरे परिवार का देन है। हर्षित है, समचा ग्रामीण भी हर्षित है, और ये हमारी परिवार का एक प्रथम बच्चा है जो कि IPS में किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे सब भाई सब शिक्षित, सब सब अपने अपने काम में है, एक ठो इसमें हमारा लड़का निकला है, हम बड़ी हर्षित हैं, समूचा गांव हर्षित है। और सबको प्रसन्नता है तो हमको भी प्रसन्नता है, हमें थोड़े ज़्यादा प्रसन्नता है कि मेरी मूर्ति है, मैंने उस मूर्ति को बनाया है। अच्छा, आपकी मूर्ति है? मेरी मूर्ति है, मैंने उसे बनाया है, अनुशासित है, और प्रत्येक परिस्थिति में मैं उसके साथ रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूं कि जो मेरा परिवार है उस परिवार को उसी भांति बना के, अभी हम पूरा परिवार एक हैं, संकट हो या किसी भी परिस्थिति में हम सब एक हैं, एक साथ हम लोग प्रसन्नता और दुख अनुभव करते हैं। तो प्रसन्नता है तो हम सब मिल के मनाते हैं, जब कभी कोई संकट आता है तो हम सब मिल कर के एक साथ खड़े रहते हैं। इनके सफलता को लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई,
और हम लोग भी इन्हीं के गाइडलाइन से चलते हैं। अच्छा। और अभी फिलहाल में अच्छे मतलब जगह हैं। कहते हैं कि यहाँ जो है युवाओं की भीड़ लगी हुई है, और दीपक कुमार जो है पिछले कोरोना काल में जो है मेंस का एग्ज़ाम में ये बैठ नहीं पाए थे क्योंकि इनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिसके बाद जो है लगातार 6 बीपीएससी के रिक्रूटमेंट आने के बाद ये लगातार प्रयास कर रहे थे। उससे पहले जो है ये नॉर्मल कर्मचारी बनकर जो है काम करते थे, लेकिन अब उसी विभाग के जो है बड़े पदाधिकारी यानी ग्रामीण विकास पदाधिकारी बन गए हैं और ऑफिसर ग्रेड में आ गए हैं, और बीपीएससी का जो है 66th बीपीएससी जो है इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अब ये ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, लेकिन लगातार जो है इनकी मेहनत और नौकरी के साथ जो है गृहस्थी जीवन के साथ जो है ये लगातार तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद देख सकते हैं कि इनकी सफलता को देखने के लिए तमाम गांव के युवा जो है जुट गए हैं, और यही सफलता जो है आपको आगे बढ़ाती है, और यही सफलता जो है हम अपने चैनल के माध्यम से यानी कि फोर्ब न्यूज़ के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं।